दावत इस्लामी वाले अमामा शरीफ पहनकर दुनिया में घूमे ना, आप कारोबार करते हैं या दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए सफर करते हैं या आप कोई भी मतलब आप सफर करते हैं, ये दावत इस्लामी वाले सिर्फ इमामा बांध कर एयरपोर्टों से गुजर जाए ना, एयरपोर्ट पर अमले का जो सोच तब्दील हो रही है ना इमामा देखकर, ये बाबा हमने अपनी आंखों से देखा है। और ये अपने यानी के यूरोप और यूके की बात कर रहा हूँ, ये अपने मुल्क के बाशिंदों की चेकिंग जिस तरह कर रहे हैं ना वो मुझे पता है। और दावत इस्लामी यानी हम इस्लामी तशखुस, उनको शायद नहीं पता दावत इस्लामी, लेकिन एक इस्लामी और मजहबी तशखुस की वजह से जो ये हमारी इज्जत कर रहे हैं ना, तो ये बयान से बाहर है। यानी अगर सारे दावत इस्लामी वाले अमामा शरीफ बांधे, वे एक एयरपोर्ट से गुजर रहा था बाबा, मैं सोच रहा था कि जितने दावत इस्लामी वाले अल्लाह ताला कलबों को फेरने वाला है, अगर ये इमामे बांध कर घूमना शुरू कर देना तो अमामा शरीफ दुनिया के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और इस तरह के रास्तों में इमामा शरीफ और दावत इस्लामी एक बहुत जबरदस्त पहचान बनेगी। मगर ये बिचारे नहीं करते इतना। अब मैं उस वक्त जो मेरी कैफियत थी, मैं क्या अर्ज करूं, दिल जल रहा था, काश मेरे इस्लामी भाई इमामा बांध कर नहीं बांधते, उतार देते, यानी सारा साल बांधेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, सफर करेंगे, यार वहाँ माहौल नहीं होता, वहाँ उतार देते होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ तो ज्यादा जरूरत है बांधने की, क्योंकि वैसे भी मतलब है ना कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत सौ का अंदाजा होगा, तो इसमें भी हमारा जब ये तशखुस क्लियर होता, हमारा तशखुस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर होता है, तो ये कि हमारे मुल्क की भी इसमें नेक नामी है कि भाई हर पाकिस्तान को बुरा बुरा थोड़ी है, और यकीनन बुरा नहीं है हर पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, जितनी इस्लाम की आजादी से खिदमत और इस्लाम का काम पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये किसी और दुनिया के मुल्क में शायद ही हो रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे मुल्क को आबाद रखे, शाद रखे, और इसमें गुनाह तो अभी बुराइयां तो कहां नहीं है, अल्लाह इन बुराइयों को दूर फरमा दे और हमारा मुल्क हकीकी मानों में इस्लाम का मजबूत कलआ बन जाए, तो मुसलमान बाअमल बन जाए। आपने जो हुब्बुल वतनी की जो भी बात फरमाई ना बाबा, पाकिस्तान की नेक नामी, यानी हमारे मजहबी और इस्लामी हुलिया देखकर, मदनी हुलिया देखकर जो हमारी इस्तिलाह है, ना सिर्फ अमला बल्कि आम पैसेंजर सड़क पर चलते लोग पूछते हैं कहां से ताल्लुक है आपका, वो इंग्लिश में पूछते हैं, और जब हम बता दें पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखकर इनके चेहरे पर और पाकिस्तान का नाम सुनकर हमने मुस्कुराहटें देखी है, अच्छा तासुर पड़ता है हमारे मुल्क का, इस्लाम का, इस्लाम के तशखुस का। अल्लाह करे कि ये आशिकान रसूल जो हमें मदनी चैनल पर देख और सुन रहे हैं, एक काश अपने जज्बे को थोड़ा सा मतलब हिलाइए और दुनिया भर में दावत इस्लामी के मदनी हुलिये के साथ सफर कीजिए, अल्लाह ताला की रहमत से आप देखेंगे दावत इस्लामी का भी नेक नामी होगी और इंशाल्लाह ताला आपको भी इज्जत मिलेगी और अपने मुल्क का भी नाम रोशन होगा। शिकागो अमेरिका से भी किस तरह का मैसेज आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी जो हुलिया है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमेरिका के अंदर भी रिस्पेक्ट ही मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।